अलीगढ़ में वकीलों ने प्रस्तावित हड़ताल के दूसरे दिन काम बंद का हड़ताल कर दीवानी परिसर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वकीलों ने सड़क जाम कर कई टायरों में आगजनी भी की। वकीलों के विरोध पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को भी वकीलों का विरोध झेलना पड़ा। वहीं वकीलों द्वारा मीडिया कर्मियों से भी वसूली की गई। शुक्रवार को अलीगढ़ बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। असल में वकीलों का यह गुस्सा लखनऊ में पुलिस हिरासत से गायब हुए अधिवक्ता अनूप कौशिक को लेकर है। वकीलों का कहना है कि अधिवक्ता का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। आज कचहरी परिसर के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन था। वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात था। ऐसा सुनने में आया कि कुछ ये बुजुर्ग लोगों के साथ कुछ जाति की गई है, इसकी जांच कराई जाएगी। आपके एकत्र पत्रकारों के माध्यम से जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करी उसको चेक किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कानून सबके लिए बराबर है। सर, सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे सारी की कार्रवाई की जाएगी, अगर किसी ने इसमें कहीं पे भी कोई कानून टूटा है ना पूरी कार्रवाई। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप जो भी जिसके पास अधिकार है उसको अगर किसी ने उल्लंघन किया है हम कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपीएल न्यूज, अलीगढ़।